नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे 1947 यानी कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ उस पर बात करने वाला हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि ये तो आम बात है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन नहीं, इतिहास के पन्नों में काले स्याही से जो लीपापोती की गई उसको मैं एक श्वेत पत्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ऐसी अनगिनत और अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो भारत का बंटवारा हुआ वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ? लेकिन नहीं, ये बात उतनी सच नहीं है जितना आप जानते हो। भारत का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम की राय पर नहीं, भारत का बंटवारा मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुसलमानों की मांग पर हुआ। जब बंटवारा हुआ उस समय भारत में लगभग 30 करोड़ हिंदू थे और 4.5 करोड़ मुस्लिम थे, और भारत के जो हिंदू थे उनसे उनका विचार लिया ही नहीं गया था कि जो बंटवारा है ये किया जाए या नहीं किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जीत थी और मुस्लिम लीग की जीत थी, और इसमें कांग्रेस पार्टी का भी अपना हित था। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 1946 में एक्शन डे मनाया गया था उस एक्शन डे में ये घोषणा की गई थी, मुसलमानों के नाम पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम दंगा करेंगे और हिंदुओं की हत्याएं करेंगे। पश्चिम बंगाल और बिहार में भयानक दंगे हुए और लगभग 72 घंटों में कई हजार हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई, और ये एक मैसेज दिया गया कि यदि आप हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम भारत के हिंदुओं को ऐसे ही काटते रहेंगे, मारते रहेंगे और जलाते रहेंगे। अब आप सोचिए कि जिस देश के हिंदुओं की जनसंख्या 30 करोड़ थी और मुसलमानों की 4.5 करोड़, वो लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे कि हम हिंदुओं को ऐसे ही मारें, क्योंकि उस समय जो प्रशासन संभालने वाले लोग थे, जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। यही वो कांग्रेस पार्टी जिसे आपको लगता है कि इन्होंने आज़ादी दिलाया है, जिसको आप मानते हो चाचा नेहरू ने इस भारत को बनाया है, ये कांग्रेस तब मौन थी। और सिर्फ 4.5 करोड़ की जीत पर, यानी कि जो 4.5 करोड़ मुस्लिम थे उनकी जीत पर भारत का विभाजन कुछ चंद लोगों ने टेबल पर बैठ के कर दिया, जबकि 30 करोड़ हिंदुओं की मांग थी कि भारत का बंटवारा जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर इन लोगों ने हिंदुओं के विचारों को नहीं माना, यानी जो कांग्रेस पार्टी थी इसने हिंदुओं की बातों को नहीं माना, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग को लीड करने वाला जो व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी पहले कांग्रेस का ही सदस्य था, बाद में जब मुस्लिम पार्टी बनी 1906 में मुस्लिम लीग, तब उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब विभाजन शुरू हो गया उस विभाजन में लगभग 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, यानी कि वो अपने घर बार छोड़कर के उन्होंने सीमाओं को पार किया था, जिनके घर बार जमीन जायदाद सब कुछ तबाह हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो दोनों लोगों के हुए होंगे, हिंदुओं के भी हुए होंगे और मुसलमानों के भी। यही सबसे बड़ा झूठ है। जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे, जो सिख जैन बौद्धिज्म के लोग आए थे भारत में, उनकी जमीनों पर उनकी मकानों पर वहां के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, लेकिन भारत से जो मुसलमान गए थे पाकिस्तान में उनकी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी पर कांग्रेस ने यहां के मुसलमानों को ही हक दिलाया, यानी कि यहां से जाने वाले मुसलमानों की जमीन पर मुसलमान बैठे लेकिन वहां से आने वाले हिंदू और सिखों की जमीन पर मुसलमान बैठे, यानी दोनों ही जगह पर मुसलमानों को ही जो प्रॉपर्टी थी, जमीन थे, मकान थे, दिए गए। लोग कहते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हो रहा था तब गांधी क्यों मौन थे? वो हर छोटे छोटे हिंसक प्रदर्शन का, यानी जब भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे या कुछ हिंसक झड़प हो जाती थी तो अपना आंदोलन बंद कर देते थे, ये कहते हुए कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं। लेकिन जब देश में हिंसा हो रही थी और 20 लाख लोग मारे गए
तब गांधी जी की अहिंसा कहां चली गई थी? तब गांधी जी क्यों मौन थे? इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद जो हिंदू भारत आए हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की मस्जिदों में उन्होंने शरण ले रखा था। और तेज सर्दी का मौसम था और बरसात हो रही थी। उस बारिश के मौसम में हिंदुओं ने उन मस्जिदों में, यानी कि मुसलमानों की मस्जिदों में शरण ले ली। तेज ठंड और बरसात से बचने के लिए वो उन मस्जिदों में चले गए और जो मुसलमान थे वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो हमारी मस्जिदों में आकर के रह रहे हैं, इससे हमारी भावनाएं जो है वो आहत हो रही हैं, क्योंकि मस्जिद में कोई और धर्म के लोग नहीं रह सकते हैं। और गांधी जी ने उनकी बातों को मान लिया और ये आदेश जारी कर दिया कि जो लोग मस्जिदों में बैठे हुए हैं, यानी जो हिंदू तेज छुटती हुई ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, वो उसको तुरंत फौरन आदेश से उसको खाली कर दे। ये है अहिंसा। और जब दंगे हो रहे थे, उस दंगे में जो ट्रेन आई थी, उस ट्रेन में जो हिंदू थे जिनकी हत्याएं करके मुसलमानों ने पाकिस्तान से भेजा था, उसके जवाब में जब भारत के लोगों ने भी सेम उसी पैटर्न पर जवाब दिया और दोनों तरफ दंगा काफी तेजी से फैल गया, तब गांधी जी ने कहा किसको, कांग्रेस को, कि आप तुरंत ऐसा काम कीजिए जिससे मुसलमानों की जो सुरक्षा है, मुसलमानों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करो, यानी किसी भी मुसलमान के खिलाफ कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए और जो मुसलमान है वो भारत में ही रहे, उन्हें पाकिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो गांधी इतने बड़े अहिंसा के पुजारी थे, मानवता के पुजारी थे, वो हिंदुओं को मस्जिद से बाहर करवा दिए, देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ उस पर भी मौन रहे, 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई उस पर भी मौन रहे, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, उनकी घर बार जमीन ज्यादा छीन लिए गए, उस पर भी मौन रहे। लेकिन जब बात भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की आई, तब इन्होंने साफ कह दिया कि भारत से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। और इसका काम, ये जो काम है, इस काम की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी जाती है कि जो मुसलमान है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब आप सोचिए कि जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, वो बांग्लादेश उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से भी हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, पाकिस्तान से भी सेम वही पैटर्न चलाया गया। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हो, वहां से भी हिंदुओं ने स्थान खाली कर दिया, पाकिस्तान से भी लोगों ने, यानी जो हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, उन लोगों ने भी पाकिस्तान को भी खाली कर दिया, भारत चल जाए। आज जो आपका बांग्लादेश है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इन दोनों ही जगह से हिंदुओं ने जो अपने घर बार जमीन जायदाद थी वो खाली कर दी और भारत आ गए। तो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में भी मुसलमानों का राज, पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है यहाँ पर ही मुसलमानों का राज, और जो भारत के मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं गए, यानी कि भारत में भी मुसलमान। तो तीनों जगह जो राज मिला वो किसको मिला, मुसलमानों को। मुसलमानों की हत्या ना हो, मुसलमानों को परेशानी ना हो, इसके लिए गांधी जी बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे। लेकिन हिंदू भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, गांधी जी मौन थे। इसी दर्द को देखते हुए गोडसे ने यह फैसला किया कि ये गांधी मानवता की पुजारी तो नहीं हो सकते, हाँ ये इस्लाम की पुजारी जरूर हो सकती हैं। गांधी जी जो कि मंदिरों में घूम घूम करके भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहते थे कि इससे भाईचारा बढ़ता है। और जब असली भाईचारा बढ़ाने की बात आई, तब हिंदुओं को धक्के मार के मस्जिद से, तेज ठंड से, बरसात के मौसम में उन्हें बाहर करवा दिया। ये थी गांधी की मानवता। भारत से मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ये गांधी के विचार थे। लेकिन भारत का बंटवारा होगा और भारत की जमीन पर दो अलग इस्लामिक देश बनेंगे, वहां पर मुसलमानों का कब्जा होगा, उस पर गांधी जी मौन थे। कैसे मान लूं मैं गांधी महान थे जब देश में लाखों लोगों की हत्याएं हो रही थी,
तब गांधी जैसे लोग कहां थे और कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या फायदा था। जो कांग्रेस पार्टी थी, अगर बंटवारा नहीं होता तो जिन्ना और कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में लड़ाइयां होती, द्वंद होता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इन्हीं बातों को लेकर के इनको एक आइडिया आया डिवीजन का, बंटवारा का, यानी पाकिस्तान बन जाएगा तो जिन्ना की मौज हो जाएगी और भारत इधर बन जाएगा तो इधर कांग्रेस की मौज हो जाएगी। ठीक है, तुमने अपनी मौज के चक्कर में भारत का बंटवारा कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने कॉन्सेप्ट दिया हिंदू मुसलमान वाला, उसको पूरा क्यों नहीं किया। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, आज पाकिस्तान में 2% हिंदू है। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, आज वहां पर 1% से भी कम हिंदू है। और बंटवारे के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में जहां पर 100% हिंदू हुआ करते थे, यानी कश्मीर, जहां जिस कश्मीर को धरती को भारत का स्वर्ग कहा गया, जहां से भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा विकसित हुई, आज वहां पर 99% मुस्लिम है। केरल को देख लो, पश्चिम बंगाल देख लो, लक्षद्वीप देख लो, भारत के ऐसे आज के टाइम पे 8 से भी ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम हो, यानी भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो यहां पर हिंदुओं से ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की हो गई। ये हिंदू है, ये सोता है, ये असली इतिहास पढ़ा ही नहीं है और अपनी जाति के नाम पर छाती पीटने का इसको बड़ा गर्व है। इसीलिए कभी ईरान तक हुआ करता था भारत, अफगानिस्तान तक हुआ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक हुआ और पाकिस्तान से आज भारत बन गया। और भारत में भी आज 8 से अधिक राज्यों में हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, दंगे होते हैं, हत्याएं होती हैं और सब मौन रहते हैं। ये हिंदू है, ये सोता है, क्योंकि जागरूकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसने असली इतिहास पढ़ा नहीं। और जो असली इतिहास पढ़ाता है, जो असली इतिहास बताता है, उसको नाम दे दिया जाता है ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है। अगर हिंदू मुसलमान सच बोलना है तो फिर भाईचारे वाला जो कॉन्सेप्ट था ईरान से लेकर आज छोटे से देश में सिकुड़ गए हो, वो क्या था। यदि सच बोलना नफरत फैलाना है तो तुमने प्यार से क्या हासिल कर लिया। बंटवारा नहीं, ये सिर्फ एक साजिश थी ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों पार्टियों को अपनी सत्ता पाने की, और बीच में हिंदू पिस करके रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज के टाइम पर जब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जातिवाद के नाम पर छाती पीटते हैं और ऐसी पार्टियों का समर्थन करते हैं जाति के नाम पर, जो पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन आतंकियों से केस वापस कर लेंगे, या जो पार्टियां ये कहती हैं कि जो आतंकवादी ये तो बेचारे मुसलमान है इस वजह से इनको परेशान किया जा रहा है। क्या कोई आतंकवादी यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम के नाम पर उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ तो रहे हैं, ईरान से छोड़ दिया हमने, अफगानिस्तान से छोड़ दिया हमने, पाकिस्तान से छोड़ दिया हमने, बांग्लादेश से छोड़ दिया हमने, कश्मीर से छोड़ दिया, केरल से छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल से छोड़ दिया, और कितना छोड़। कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि हिंदुओं को रहने के लिए 2 गज की जमीन तक न रह जाए। ये जिहाद चल रहा है दुनिया में। जो इस्लाम आया वो इसी सिद्धांत पर आया कि जहां जाओ वहां के धर्म को, वहां की सभ्यता को नष्ट करो और वहां पर इस्लाम राज कायम करो। और देखो ना भारत कहां से कहां आ गया, ईरान से आज छोटा सा भारत बन गया। मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर। ये वीडियो उन राष्ट्रवादी लोगों के लिए है जिन्हें राष्ट्र से प्रेम है, हिंदुत्व से प्रेम है और अपने देश जो भारत जो विखंडित हो गया, जिसको कांग्रेस ने साजिश के तहत बर्बाद कर दिया और मुसलमानों ने भाईचारे के नाम पर तुम्हारा चारा बनाया, उनको जागरूकता देने के लिए। और भविष्य में वो इस तरह के झूठे छलावे और पाखंड करने वाले भाईचारे के चक्कर में ना पड़े, इससे उनकी आंख खोलने के लिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।